हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गिट जो सोशियोलॉजी पेपर है इसके बारे में क्रिटिकल डिस्कशन करूंगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम मेकिंग दिस फॉर दोज हु आर फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से those who are from science and engineering background and wish to pursue a social science program, okay? So I am making for them this video, okay? And the students who are from other social science background like geography, political science, okay? So I am making this video for them. Those who are from purely social science background, social science in the sense sociology background, BA or MA in sociology, so they already familiar with this syllabus, okay? Already like bachelor syllabus bahut vast hota hai, okay? Har ek year mein alag alag topic hota hai, but my point is completely different. I am making this video for those students who are from different subject background, okay? But wish to pursue social science program in IIT. Jaise main मेरा दो स्टूडेंट इंजीनियर है, मद्रास में अभी पी ए मास्टर्स प्रोग्राम कर रहा है, ओके, एम ए इन डेवलपमेंट स्टडीज। तो उन सब के लिए, दोज हु आर फ्रॉम अदर साइंस बैकग्राउंड, ओके। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ गेट सोशियोलॉजी सिलेबस, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट कंप्लीट आइडिया, ओके। आई विल टेक 5 to 6 मिनट्स फॉर दिस, राइट, एंड 7 मिनट्स, ओके, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी पढ़ चुका हूँ, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। पढ़ा भी सकता हूँ कभी, एनीवे, तो ऐसा कुछ खास बात नहीं है। चलिए डिस्कस करेंगे आज सोशियोलॉजी के बारे में। तो एक्चुअली ना ये इसके बारे में फर्स्ट बात करता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली इसके बारे में बात करता हूँ, ये जो एक्सरसाइज पेपर है ये सोशल साइंस, इट इंडिकेट्स सोशल साइंस एक्सरसाइज पेपर, गेट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बट ये जो C6 है ये सोशियोलॉजी इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट, C6 इंडिकेट सोशियोलॉजी, जैसे C1 होता है, C2 होता है, ओके। अदर्स जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है, फॉर एन एग्जांपल आई कैन से इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, सो ये सारे C1, C2, C3 ये इंडिकेटर होता है, सब्जेक्ट कोड इंडिकेटर, राइट, ओके। सो आज तो मैं बात करने वाला हूं सोशियोलॉजी के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बचपन में ये सारे टीचर्स लोग कर देते थे, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यूनिट है अच्छा से करना चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आएंगे। बट इफ यू आर न्यू टू द सोशियोलॉजी, so I will suggest you should start from this chapter, okay, from this chapter, this should be the first chapter, okay, this should be the first chapter, you should read this chapter first, sociological concepts, then you can complete this unit, social institutions is very important, sociological understanding बहुत ही important है, social institution के बारे में पढ़ना, marriage, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजियन, एडुकेशन, लॉ एंड कस्टम्स, ये जो सारे टर्मिनोलॉजी है दे एक्चुअली एक्ट एज इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द आवर सोसाइटी, ओके। सोसाइटी का मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ओके, फैमिली होता है, ओके, फैमिली होता है, इकोनॉमिक्स होता है, जो पॉलिटिक्स होता है, जो गांव का जो पॉलिटिक्स है, जो रिलीजियन है, ओके, हर एक जगह का रिलीजियन है, तो वो सोसाइटी का एक रिलीजियस कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर है, ओके, एडुकेशन ऑफ दैट सोसाइटी एंड रूल्स, लॉ, कस्टम, बिलीव्स ऑफ दैट सोसाइटी, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस टॉपिक के अंदर, ये सब टॉपिक है, बट सोशियोलॉजिकल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में फर्स्ट पढ़ना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल सोशल स्ट्रक्चर, नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, सोशलाइजेशन इसके बारे में पढ़ना चाहिए, ओके, वैल्यूज, नॉर्म्स, रूल्स, हैबिटस एंड ब्यूरोक्रेसी, एजेंसी, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड थ्योरिटिकल कंसेप्ट। ब्यूरोक्रेसी, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी,
फॉर एन एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेसी जो कंसेप्ट है, मैक्स वेबर ने इसके बारे में ज्यादा डिस्कस किया है, वन ऑफ द ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, तो इन्होंने बात किया था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, ठीक है, पावर एंड ये जो एक सेकेंड पावर एंड अथॉरिटी, ओके, सो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ऑल दीज आर टर्मिनोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ना है. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब हायरार्की ऑफ आवर सोसाइटी. सो सोसाइटी में बहुत सारा अलग अलग लेयर होता है, स्ट्रक्चर होता है, ओके, कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, जेंडर बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, तो अलग अलग इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कास्ट एंड क्लास. सो कास्ट के ऊपर बेस करके डिविशन है, ओके, सो क्लास भी है, रिच पुअर, ये जो सारे अलग अलग इनइक्वालिटी बेस्ड आइडिया है, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. देन व्हाट टाइप ऑफ सोशल चेंज, वो सोशल चेंज आर हैपनिंग एंड हैपेंड इन द पास्ट, इसके बारे में थोड़ा भी पता होना चाहिए, लाइक सोशल डिफरेंस, ये इवोल्यूशन एंड डिफ्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी मीन्स संस्कृताइजेशन, एडुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल चेंज, तो इसके बारे में पढ़ना चाहिए. ओके, सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो दिस यूनिट विल बी द नंबर वन, ओके, इफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. तो मेरे हिसाब से ये यूनिट सबसे पहले पढ़ना चाहिए, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम अदर यूनिट्स, लाइक ये C631, ओके, ये मेरे हिसाब से यूनिट 3 है. यूनिट 3 के अंडर क्या क्या पढ़ना है? यूनिट 3 के अंडर पढ़ना है सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल चेंज, एंड ये होता है यूनिट 3. यूनिट 4 के बारे में अगर बात करो तो एग्रारियन सोशियोलॉजी एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन. सो सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो रूरल कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर एन एग्जांपल पंचायत राज, लैंड रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजी ऑफ आवर कंट्री, सोशियोलॉजी ऑफ द कंट्री. सो फर्स्ट यू शुड नो द sociology of the village, so you will understand the first concept in sociology about the peasant society, जो खेती बाड़ी होता है गाँव में, तो इसके बारे में वो होता है agrarian sociology, उस related जो एरिया है सोशियोलॉजी उसके बारे में पढ़ना चाहिए. रूरल एंड पीजेंट सोसाइटी, कास्ट एंड ट्राइबल डिस्टिंक्शन एंड कंटिन्यूम, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये होता है यूनिट 4. ओके, सो यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है भी यहाँ से भी पता है. एंड देन मेरे हिसाब से सोशल मूवमेंट के बारे में यूनिट 7 भी इंपॉर्टेंट है. यूनिट सेवन भी इंपॉर्टेंट है. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? जितना सारा सोशल मूवमेंट इंडिया में हुआ था उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, कि वी विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्लेस. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से ये जो यूनिट है, ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है. तो अभी अगर मैं कैटेगराइज करूं तो Which portion is the most important? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा important है this chapter. सबसे ज्यादा. ये chapter भी important है, बहुत important है, इसके बारे में पता होना चाहिए. ये भी इस category में है. Okay. Sociological understanding के बारे में पता होना चाहिए. And then ये जो unit है, ये unit Indian sociology के बारे में भी पता होना चाहिए. तो और मेथोडोलॉजी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 मिस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन रेगुलर आता है इस यूनिट से.
what type of methodology you will use for your study, quantitative, qualitative. अगर qualitative method है तो उसके अंदर होता है ethnography, survey method होता है, historical method होता है, comparative method होता है, and what type of techniques you will use, for an example, टेक्निक्स रिसर्च टेक्निक होता है सैम्पलिंग के बारे में, क्वेश्चनेयर के बारे में, व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस यू विल डू, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसके बारे में पता होना चाहिए, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च टेक्निक मींस इंटरव्यू, केस स्टडी, तो ऑब्जर्वेशन स्टडी, ऑब्जर्वेशन मेथड भी हो सकता है. तो यू विल ऑब्जर्व समथिंग देन यू विल कंडक्ट योर रिसर्च. ओके, तो ये सारे चीजें, क्वेश्चनेयर बनाना है, सैम्पलिंग करना है, इफ यू वांट टू कंडक्ट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिटर्न सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनेयर इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चनेयर के साथ साथ इफ यू वांट टू डू क्वालिटेटिव रिसर्च, सो व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू यू विल यूज. ओके, इन द सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू विल, किस स्टडी बेस करना है तो किस स्टडी बेस करना है. तो डेटा एनालिसिस कैसे करोगे वो भी इंपॉर्टेंट है, डेटा एनालिसिस करोगे कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो मेरे हिसाब से ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस हिसाब से चैप्टर 3 भी, यूनिट 3 भी इंपॉर्टेंट है. ये मेरे हिसाब से 2 है, ये मेरे हिसाब से 2 है. एंड देन यू कैन गो टू दिस सेक्शन ऑल्सो, यू कैन गो टू दिस सेक्शन. ये जो यूनिट 6 है, यूनिट सी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बट बिफोर दैट ये मेरे लिए चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर के बारे में अगर बात करूँ, यूनिट के बारे में बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशियोलॉजिकल थ्योरी. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, नंबर 1, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 चैप्टर नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर 2 जो बेसिक सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, और ये चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 है. व्हाट इज दैट यूनिट, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स. देन मेरे हिसाब से सोशल मूवमेंट्स और दिस. ओके, सो आई कैन गिव दिस कैटेगरी. ओके, 3 हुआ है एंड दिस 4. ओके, अंडर सेम कैटेगरी. ओके, मोर और लेस सिमिलर इंपॉर्टेंट से अच्छा से पता होना चाहिए इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैपेंड. ओके ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड और भी 2 यूनिट है सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मेरे हिसाब से ये भी अच्छा से पढ़ना चाहिए. अब भी करेंट टॉपिक, इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर इन करेंट रिसर्च. ओके, एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी जोर, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है यूनेस्को है, बहुत सारे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है अभी डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है. डिपेंडेंसी जो थ्योरी है तो अच्छा से पढ़ना चाहिए, डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है. ओके, सो मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में पता होना चाहिए, स्टेट एंड मार्केट रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये एक और एक इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी है, मुझे लगता है ये भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. तो मेरे अकॉर्डिंग, अगेन मेरे अकॉर्डिंग में बात करूँगा, मेरे अकॉर्डिंग बात करूँगा तो ये जो वे नंबर 1 है एंड मेरे हिसाब से ये 2 है. सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्लियर आइडिया रहना चाहिए, मेथोडोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये जो डोमेन है ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस आल्सो. अगर इस टॉपिक को मैं इसलिए पढ़ने के लिए ज़्यादा इंफोसिस कर रहा हूँ, इसका एक रीज़न है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट. इसके बारे में इजिली मैं बोल रहा हूँ, अगर अब भी IITs में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना है तो ज़्यादातर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं ये लोग, मतलब दे आर एम्फसाइजिंग, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है इस टॉपिक के ऊपर. ओके, बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है इसके ऊपर IITs में. तो मेरे हिसाब से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन ये जो टॉपिक है फैमिली, मैरिज, किनशिप, थियोरिटिकल अप्रोचेस, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो बट मेरे हिसाब से ये अकॉर्डिंग टू माई सजेशन यू कैन रीड, बट ये जो डोमेन है बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्लासिकल
सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पता होना चाहिए, एंड देन हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रिटेटिव ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। क्लिफोर्ड गिर्ज मैंने पढ़ा था इनके बारे में, थिक डिस्क्रिप्शन कल्चर गिर्ज का एक पेपर मैंने पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने क्लिफोर्ड गिर्ज का जो इथनोग्राफी टेक्निक है बहुत मतलब गजब है। देन आर्विन गोबमैन बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट है, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे मतलब सारे ग्रेट थिंकर हैं। ओके, इंडियन थिंकर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नोट बनाने हैं, व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। ओके, एंड सबसे ज्यादा तो पढ़ना चाहिए फर्स्ट यूनिट में, दे आर द फाउंडर ऑफ दिस सब्जेक्ट। ओके, एमिल डार्किम के बारे में पता होना चाहिए। ओके, एमिल डार्किम कौन है? तो मैं तो जब पढ़ता हूँ एमिल डार्किम के बारे में तो नन कैन मतलब आई डोंट बिलीव लाइक क्या गजब काम किया है, मतलब इतना कोई मतलब सोसाइटी को देखा है, ऑब्जर्व किया है, मतलब एक लाइक इमेजिनेशन के बाहर जाके काम किया है इन्होंने। एमिल डार्किम इज वन ऑफ द की फाउंडर ऑफ द सब्जेक्ट, एंड एमिल डार्किम का सबके ज़्यादा जो बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने आइसोलेट किया है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को। हैं, बाकी जो सब्जेक्ट सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिलोसॉफी है, तो फिलोसॉफी से सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को उन्होंने अलग किया है। ये सबसे बड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, एंड ही ऑलरेडी ही एक्चुअली इन्वेस्टेड हिज होल लाइफ टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज ए साइंस सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी एज ए साइंस सब्जेक्ट, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, एमिल डार्किम। तो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ एक दो छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा एमिल डार्किम के बारे में, एंड देन मैक्स वेबर के बारे में, कर्ल मार्क्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ छोटा छोटा बड़ा बना लूंगा कुछ, जो आइडियोलॉजी है बात कर लेंगे। मैं तो कब जब सोचता हूँ एमिल डार्किम का जो काम है, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल सुसाइड, ओके, सो कैन यू इमेजिन सुसाइड जो कंसेप्ट है, तो इसके ऊपर उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसको कैटेगोराइज किया है इगोस्टिक सुसाइड। ओके, तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सुसाइड, एंड इसके इसका जो मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट इज एमिल डार्किम जो है, इन्होंने एक्चुअली इंडिविजुअल के साथ सोसाइटी का जो रिलेशन है, जो इंटीग्रेशन है इन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, तो उस चीज को एमिल डार्किम ने स्टडी किया है। ये सबसे बड़ा काम था, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है सोशियोलॉजी में। तो हैट्स ऑफ टू एमिल डार्किम। तो एनीवे, आई थिंक दिस विल हेल्प यू लॉट इन ए वे, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो फिर थोड़ा बात करेंगे एक दो वीडियो में, जो ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट है, सारे ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।